बेहद ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने गढ़वा जिला मुख्यालय से थोड़ी दूर पर स्थित एक गांव है पोटमा, इस मामले से बखूबी आप वाकिफ होंगे। 9 साल का आयान, एक बच्चा जो गुजरे 25 दिसंबर को गायब हुआ था, परिवार वालों द्वारा काफी खोजबीन किया गया, जब नहीं मिला तब जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, पुलिस प्रशासन द्वारा भी खोजने की सारी जहमत उठाई गई, लेकिन आयान नहीं मिल सका। आज उसका शव कुएं से बरामद हुआ। जिस आयान को पुलिस सड़क पर खोजती रही, गांव में ढूंढती रही, खोजी कुत्ते के भी मदद ली गई, लेकिन आयान को सकुशल बरामद नहीं किया जा सका। आज उसका शव कुएं से बरामद हुआ। गले पर, मतलब कहे कि गला दबाने का निशान भी है, या कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, जो आशंका जताई जा रही है कि हो न हो उसकी हत्या करने के बाद कुएं में डाला गया है। एक छोटे बच्चे की, परिवार में विवाद होता है, आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, आप हमसे मिल लीजिए, हमसे निपट लीजिए, किसी बच्चे के साथ इस तरह से घृणित कार्य नहीं करना चाहिए जो आज आयान के साथ किया गया। हम पोस्टमार्टम हाउस में के सामने खड़े हैं। यह पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर आयान का जो नियम है, पुलिस प्रशासन का, सबसे पहले तो परीक्षण कराया जा रहा है। परिजन भी यहां मौजूद हैं। हम बात करेंगे कैसे, कब आप लोगों को पता चला कि आयान गायब हो गया है। आयान भी एक छोटा बच्चा था, 9 साल का, क्या पता चला? पता चला आज 31 दिसंबर को जब हम गढ़वा डीएसपी साहब के यहाँ मिलने आ रहे थे, उस समय घर से फोन आया कि भतीजा का लाश जो है, मेरे भतीजे आयन कुमार का, मिल चुका है, कुआं में पड़ा हुआ है। तो गए, देखे, पहचाने, मेरा भतीजा का ही शव था। बहुत ही दर्दनाक और निर्मम हत्या की गई है। उसका आंख पर चोट मारा गया है, आंख को फोड़ दिया गया था और गला दबाकर निर्मम हत्या की गई है। बहुत ही कष्टकारी और दर्दनाक मौत उसको दी गई है। पूर्व में हमारी भूमि विवाद थी, बगल में उदयराम से, उसके चारों बेटों से, उन लोग मिल करके, उसका एक यार है दीपक कुमार, बच्चा को रात्रि में यहाँ से रखा और दीपक कुमार के यहाँ छिपा करके फिर रात्रि में वहां डाल दिया, चूंकि बगल में कुआं जहां मिला उसी का यार का घर है। और दूसरी चीज, इसके साथ में संलिप्तता एक कपिल देव राम है और एक वासुदेव राम है, उसके दो बेटे, इन्हीं लोग मिल करके हमारे भतीजे की हत्या किए हैं, पूर्ण रूप से हत्या किए हैं। इन लोग धमकी भी दिया था और पूर्व में भी माओवादी के साथ मिल करके एक हमारे यहाँ फूफा के बेटा की, जिसका नाम सुकुमार था, उसकी हत्या, मर्डर कर दिए थे। और हमारे उस समय घर वाले डर से, भय से, इन लोगों का कोई भी प्राथमिकी नहीं किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि पुनः इन लोग दुस्साहस करके दूसरी घटना का अंजाम दिए हैं। और बीच में भी हम लोगों के साथ मारपीट किए थे कई बार, अभी हमारा परिवार दहशत में है। मैं आप लोग मीडिया से प्रार्थना गुजारिश करता हूं, गढ़वा के प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमें पुलिस प्रशासन का प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी जाए, नहीं तो हम लोगों की भी हत्या हो सकती है। धन्यवाद। क्या होना चाहिए? घटना तो घट गई, पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी, जैसा उनके द्वारा बताया गया कि भूमि विवाद है, अब ये दूसरी घटना घट गई, क्या होना चाहिए? हम गढ़वा जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए, पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द मैंने इस केस पर सुरक्षा और इनके परिवार के घर वालों को सुरक्षा दिया जाए। आपने सुना कि भूमि विवाद है, भूमि विवाद में पहले भी एक हत्या हो चुकी थी, उसके बाद यह दूसरी हत्या है, लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे, बच्चे के साथ ऐसी विभत्स घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए था, ऐसा घृणित काम नहीं करना चाहिए था। जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि हम लोग दहशत के साए में रहा करते हैं, बार बार धमकी दी जाती है, हाल में भी इनके परिवार को धमकी दिया गया था, उसके बाद आपने सुना भी कि आप देख भी रहे हैं कि कैसी घटना को अंजाम दिया गया, बच्चे की, परिवार के एक बच्चे की, 9 साल का बच्चा है आयान, जिसकी हत्या की गई है। अब देखना यह होगा कि सकुशल बरामद करने में निश्चित रूप से नाकाम रही पुलिस, अब
घटना घट जाने के बाद इस परिवार को, जो परिवार इस तरह की घटना का शिकार हुआ है, दहशत में रहा करता है, क्या सुरक्षा दी जाती है और फिर से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसकी क्या कोशिश की जाती है? साथ ही अगर जांच में मामला सामने आ जाता है तो क्या कार्रवाई होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध है। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।